जी अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़मान पार्क, जहां केपीके से साबिक वज़ीर आला केपीके महमूद खान अपने कारकुनान का जोश गरमाने, इनका हाल अहवाल पूछने यहां पर कैंप्स में आ गए हैं और वन बाय वन हर कैंप में जा रहे हैं और कारकुनान के साथ बात कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कोई मसला परेशानी तो नहीं है, इनसे जानते हैं ये क्या लेने आए हैं, कितने दिन से यहाँ पर और कितने कारकुनान इनके यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली कारकुनान आपके यहाँ पर जमा हैं और उनका जोश गरमाने आप आए हैं, क्या लेने आए हैं? देखिए इस तरह है, ये सारे जितने भी वर्कर्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये सारे इमरान खान साहब के लिए आए यहाँ पर और पूरे पाकिस्तान से और फिर खैबर पख्तूनख्वा से और फिर आज चूँकि मुख्तलिफ अजला के डिफरेंट ड्यूटी लगाई गई है, ये मलकंड रीजन का है, दो तीन दो यहाँ ड्यूटी देंगे, यहाँ पर मैं अपने वर्कर्स के साथ मौजूद हूँ, हमारे भाई हैं, हमारे छोटे हैं, उनके साथ बैठना, उनके साथ बैठक करना, उनके साथ जमीन पर बैठना, एक तो उनका मोरल ठीक हो जाता है, दूसरा ये है कि हमें भी पॉलिटिकल वर्कर हैं इनके साथ बैठ के हमें। कितने दिन बाद आए हैं आप यहाँ कैंप्स में? मैं तकरीबन कोई तीन दिन बाद आया। तीन दिन बाद आए हैं और कितने दिन बाद ये ड्यूटी इनकी चेंज हो रही है? तकरीबन चार दिन हर रीजन का है, चार दिन। आज कोई एक्सपेक्टेड है कि खान साहब को रेस्ट करने की कोशिश की जाएगी जो रन जारी हुए हैं? देखिए ये तो ड्रामे है, ये तो चलते रहेंगे, वी आर रेडी, हम सारे यहाँ पर मौजूद हैं भाई। ऐसा कोई मेरे ख्याल में ये हुकूमत इस तरह का कोई एकदम नहीं उठाएगी कि खान साहब को अरेस्ट कर दें। खान साहब देखे ऑलरेडी, उन्होंने कहा है कि 18 अप्रैल को वो पेश हो, तो खान साहब तारुफ अदालत में पेश होते रहते हैं, ये ड्रामाबाजी उनको बंद करनी चाहिए, ये सारे ड्रामे कर रहे हैं, मेरे ख्याल में ड्रामों से निकल के और जब भी अदालत में तारीख आई है तो खान साहब उस तारीख में उतर गए, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो, लाहौर हाई कोर्ट हो, जितने लोअर कोर्ट्स हों, खान साहब लोगों की कदर भी करते, इज्जत भी करते और जिधर उनके मुकदमा होते हैं। आज आप मरियम नवाज साहिबा ने भी एक जलसा किया है, वो भी कंपेन पर निकल गई हैं, आप लोगों की इलेक्शन के हवाले से कितनी तैयारी है? देखिए इस तरह है, वो तो जलसिया करती है, जलसिया की जलसिया बस नहीं क्या चीज़ है और पता नहीं वो मैं क्या कहूँगा, हम पठान लोग हैं थोड़े से, हम औरतों को ज़्यादा एहतराम करते हैं, वायरल दिल तो बहुत कुछ करता है कहने को लेकिन वायरल खामोश हो जाते हैं, हम उनकी तरह नहीं है और ये उनका है वतीरा रहा है कि बेनजीर भुट्टो से लेके अभी तक जो उनके सियासत में किरदार है वो सबको पता है, उसमें क्या बात करूँगा। तो हम इंशाल्लाह, हमारी कंपेन ये है कि हमारी कंपेन तो ऑलरेडी हो चुकी है और जो परसों उसका जलसा था हमारा हो चुका है, बस हम इलेक्शन डेट का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ आप डेट का इंतजार कर रहे हैं इलेक्शन के लिए? तैयारियां मुकम्मल है, बिल्कुल। हुकूमत कह रही है कि हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए, तो अगर फर्ज करें खान साहब टेलीफोन करते हैं एक भाई इलेक्शन के लिए मोबाइल पैसे जमा करते हैं, तो इस चीज के लिए भी रेडी हैं आप लोग और क्या पैसे इकट्ठे हो जाएंगे? देखिए वो खान साहब टेलीफोन भी करेंगे और हम अपने उस पे भी हिस्सा डालेंगे। अच्छा, तो अभी यहाँ पर शहरी इफ्तारी का जो इंतजाम किया जा रहा है वो अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं या किस तरह हो रहा है? मेरे ख्याल में डिफरेंट लोग हैं वो आ जाते हैं, उनकी ड्यूटी लग चुकी है और ऑलरेडी ये सब कुछ जो है सहरी और अफारी उनको प्रोवाइड की जा रही है, कुछ लोग अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं, मेरे ख्याल में पार्टी भी लोग कर रहे हैं, बस पार्टी नहीं है लोग कर रहे हैं, डिफरेंट लोग किसी को पता नहीं चलता कि किधर से आ रहा है, तो अलहमदिल्ला ये सारे अलहमदिल्ला फिट है, यहाँ पर सारे नौजवान हैं, अगर इनको अफतारी और सहरी न भी मिले तो एक महीना ये गुजारा कर सकते हैं। अच्छा, आपकी कब मुलाकात हुई? मैं तो तकरीबन अभी कोई 5:30 बजे से मुलाकात। कैसी उनकी मोराल है, क्या सोच है अभी, क्या वो सोच? देखिए मैं तो वैसे उनसे मिला था, वैसे कुछ काम था, कुछ बाजे से डिस्कशन करनी थी, तो बिल्कुल ठीक ठाक है और पता है कि वो तो इस गेम का खिलाड़ी है, बादशाह। अच्छा, तो आपको लगता है कि खान साहब हावी रहेंगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में? जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए इस वक्त जो मोमेंट बना हुआ है, जो तहरीक है, ये पाकिस्तान को बचाने की, और मेरे ख्याल में हर किसी को इसमें अपना हिस्सा डालना चाहिए, वरना ये फिर पाकिस्तान के साथ गद्दारी होगी अगर उसमें इस तहरीक में कोई अपना हिस्सा रखा। अच्छा,
चले बहुत शुक्रिया। आप देखें साबिक वज़ीर आला के पी के महमूद खान साहब मुख्तलिफ कैंप्स के अंदर विजिट कर रहे हैं, इनके पार्लियामेंटेरियन साथ इनके मौजूद हैं और वन बाय वन हर कर उनका वो हाल अहवाल पूछ रहे हैं, उनके साथ जो उनके मसाइल हैं वो सुन रहे हैं और इनके साथ इनका जो मोरल है वो हाई करने के लिए गपशप कर रहे हैं। मजीद भी सूरत हाल से आपको क्या करेंगे, आप देखेंगे के पी के लोग बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर मौजूद हैं और वो बहुत ज्यादा पुरजोश हैं और आज तो कारकुनान हद से भी ज्यादा हैं। मजीद सूरतेहाल से भी आपको गा करेंगे यहाँ क्या एक्टिविटीज चल रही है, आप देखिए और इसी एक्टिविटी से इनका जो है वो मजीद भी सूरतेहाल से आपको गा करते रहेंगे। देखते रहो पॉइंट पे हो अल्लाह खान।